राजभवन शिमला में पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 58 व्यक्तियों को पदक देकर सम्मानित किया। समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर विशेष अतिथि मौजूद रहे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को राजभवन में आयोजित अलंकरण समारोह में पुलिस, सुधार सेवा, अग्निशमन सेवा और गृह रक्षा साथ ही नागरिक सुरक्षा पदकों के 58 विजेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित व्यक्तियों को बधाई देते हुए कहा कि ये सम्मान हम सब के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि उनकी उत्कृष्ट सेवाएं समाज के लिए उदाहरण है और अन्य लोगों को भी प्रेरणा देती है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के अंदर शांति बनाने का जिम्मा पुलिस का है और ये जिम्मेदारी पुलिस बेहतर तरीके से निभा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस के अधिकारी व जवान मजबूती से काम कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान के लिए कई पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनका ये सहयोग इस बुराई को खत्म करने में अन्यों में भी जोश भरेगा। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि नशा आज हम सब के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ सरकार ने कई गंभीर प्रयास किए हैं। राज्यपाल ने कहा कि सरकार नशे को नियंत्रित करने और लोगों को जागरूक करने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन इस कार्य में पुलिस का डर और निगरानी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में ऐसे असामाजिक तत्वों को नियंत्रित कर हम युवा शक्ति को इस सामाजिक बुराई से बचा सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस देश भर में अपनी निडर, सत्यनिष्ठा और निष्पक्ष छवि के लिए जानी जाती है और ये छवि हमेशा बनी रहनी चाहिए। राष्ट्रपति का तो ये पता है, विशेष करके जो पुलिसकर्मी और अग्रिम आपों के और बाकी सभी ये हमारे खानदान से जुड़े हुए पुलिस अधिकारी जो है उनके साहस से और उनके हिम्मत से और उनकी बहुत अनुशासन से जो कुछ उनके जीवन में समाज सेवा के लिए लोगों को रक्षा करना और सुरक्षा देने में बहुत अच्छी तरीके से कामयाबी भरे, ऐसे लोगों को आज ये पदक दिया गया है। इसमें मुझे बहुत खुशी है, हिमाचल प्रदेश के पुलिस ने बहुत ही शिष्टाचार से और वैसे ही अपने मानकों को एक प्रमाणित रूप में उन्होंने कर पा रही है और यह केवल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ही नहीं और बाकी त्यौहार है और वैसे ही जैसे जो है यहाँ स्नोफॉल गिरने के बाद तो लोगों की रक्षा करना, रोडों को जो है बराबर जो है रास्ता बनाने के लिए काम करना, ये सही जो है बहुत हिम्मत के काम है। अपने जीवन को बाजी में रखते हुए वो काम कर रहे हैं, वैसे लोग जो है आज हिमाचल प्रदेश में उनकी बहुत सराहनीय है। हमारे लोगों के जो आज या रहने का या जीने का क्या उनको सुरक्षा देने का तो काम कर रहे हैं और उससे ज़्यादा समाज में जैसे नशा जैसे जो बुराई आए। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले जवान प्रदेश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी जान की परवाह किए बगैर पुलिस जवान, अग्निशमन और गृह रक्षक कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। स्वाभाविक रूप से ये बहुत उत्साह का एक मूवमेंट होता है, क्षण होता है। उन सभी पुलिस विभाग में कार्यरत, होमगार्ड विभाग में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को जिन्होंने अपने सेवा काल में बेहतर सेवाएं दे करके उदाहरण स्थापित किए हैं। आप जैसे देख रहे थे, अधिकांश जो कर्मचारी अधिकारी जहां एक्सीडेंट हुए, एक्सीडेंट में उनने मदद की लोगों को बचाने के लिए,
कई जगह अग्निकांड हुए तो उसमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही किसी का जीवन बचाने के लिए, और उसी तरह से बहुत जगह ऐसे भी जहाँ जो अपराधी भागे थे उनको पकड़ने में, और ख़ास तौर से जो ड्रग्स के इसमें जुड़े हुए व्यवसाय में जुड़े हुए लोग उनको पकड़ने में, जिन कर्मचारियों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है उनको सम्मानित करने के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हिमाचल प्रदेश एक बहुत शांति प्रिय प्रदेश है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कुछ घटनाएं जब घटित होती हैं तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे कर्मचारी अधिकारी पुलिस विभाग के, होमगार्ड के और दूसरे विभाग के जो हमारे अच्छा काम करते हैं उनको सम्मानित करना ये सरकार का दायित्व भी है, और मैं उन सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले समय में भी ऐसी घड़ी में जब मानवीय दृष्टिकोण से किसी भी आदमी को मदद की ज़रूरत हो तो उसमें ये सब लोग अपनी अच्छी भूमिका निभाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।